तेरी आवाज की जादूगरी से न जाने किस जहां में खो गया हूँ, जहां में खो गया हूँ। सुना था कि मोहम्मद रफी साहब बचपन में किसी फकीर की आवाज सुनकर खो जाया करते थे, उस फकीर के पीछे पीछे चले जाया करते थे, और कभी कभी उन्हें ये भी होश नहीं होता था कि वो गांव से बहुत दूर निकल गए हैं। कुछ इसी तरह मैं भी इस आवाज के जादूगर की आवाज को सुनता हुआ दुबई से मुंबई खींचा चला आया, दिल में ख्वाहिश लेकर कि मुझे रफी साहब के आशियाने का दीदार करना है। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। और इस तरह 25 मई 2007 के रोज मैं रफी साहब के दर पर पहुंच गया। हौसले बुलंद थे, दिल में इरादा था, उम्मीदों का दामन थाम रखा था। तेरे दर पे आया हूं कुछ कर। रफी साहब के घर आने का मकसद ये था कि मैं उनके घर के लोगों से मिलना चाहता था और हर वो चीज को महसूस करना चाहता था जिससे रफी साहब की यादें वाबस्ता है। वो हर चीज देखना चाहता था जिसके साथ रफी साहब का वक्त गुजरा था। ऐसे तो मैं उनके पूरे घर के कोने कोने में घूमा, लेकिन उस घर में एक कमरा ऐसा था जहां दाखिल होते ही जो मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहां है दिल किसे पता, कहां हूं मैं खबर नहीं, मैं खो गया। इस कमरे में दाखिल होते ही बेसाख्ता मेरे कानों में आवाज गूंज रही थी, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे मैं आगे बढ़ा और देखता हूं इस पूरे कमरे में रफी साहब के अवार्ड्स और ट्रॉफीज रखी हुई है, कहीं ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हैं तो टेबल पर तानपुरा है, और हां वो फोन जो उनका पर्सनल फोन हुआ करता था, ये रफी साहब का पर्सनल रिकॉर्ड प्लेयर है जिस पर अक्सर शाम को वो गजलें सुना करते थे। बात कहीं नहीं जाती, दिल की बात कहीं नहीं जाती। इस कमरे का मुआयना करते हुए कई बार यह एहसास हुआ कि मोहम्मद रफी साहब यहीं कहीं मौजूद है, बस दिखाई नहीं देते। पास है तो तू कहीं आस पास है दो। मैं गैबी तौर पर उनकी आवाज भी सुन रहा था जो मुझसे ही नहीं और भी कई सारे उनके चाहने वालों से कुछ कहना चाहती थी। आवाज सुनो मेरी आवाज। कुछ पल के लिए मैं इन अवार्ड्स की छोटी सी दुनिया में गुम हो गया था। आवाज से चौंका था लेकिन यहां इतने सारे अवार्ड्स रखे थे कि किसी एक अवार्ड पर नजर ही टिक नहीं पा रही थी। इन सारे अवार्ड्स को देखते देखते मैं सोच रहा था कि यहां किसी चीज की कमी है और बहुत दिनों से कमी है। मैं समझना चाहता था कि वो क्या कमी है जो अब तक पूरी नहीं हुई है, जो कि बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। जब सारे अवार्ड्स को मैं तफसील में देख चुका तो मुझे एहसास हुआ कि जिस चीज की कमी मुझे और मेरी तरह सैकड़ों रफी साहब के चाहने वालों को खल रही है वो है भारत रत्न। मेरा दर्द कोई ना जान सका। आइए मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाइए और रफी साहब को भारत रत्न दिलवाइए।